This conference will now be recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بچے سوری میری اس سے پہلے بھی کلاس تھی بس انہیں उस क्लास को कंप्लीट करते हुए होमवर्क बताते हुए थोड़ा सा टाइम मेरा 5 मिनट ऊपर होके बचे, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट होगी जी। बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उम्मीद है आप लोगों ने जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, उम्मीद है आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आप लोग सुन चुके हुए हैं और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हो बच्चे, कोई बात समझा नहीं मैं पाया, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अदर इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। जी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक होगा जी। अच्छा जिन बच्चों ने अभी वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन लीजिए, ठीक हो गया। और जिन जो लोग सुन चुके हुए हैं उन्हें अभी फॉर द टाइम बीइंग कोई कंफ्यूजन नहीं लग फील हो रही, उसके बाद अगर कभी भी फील हो तो आप मेरे से पूछ सकते, ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इस लैपटॉप में नहीं है, मेरे पास दूसरे लैपटॉप में है, वो मैं ऑन ही नहीं कर रहा हूँ आजकल, तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पा रहे, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज जैसे ही क्लास ऑफ हो आप लोगों के साथ वो नोट्स शेयर कर, ठीक है जी बच्चे। नहीं बच्चे कल मैं क्लास ही नहीं ले पाया क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम था, मैं कल क्लास नहीं ले सका। उसके बाद मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है ना। ये मैंने इंटरव्यू ली क्लास रिकॉर्ड की थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैं क्लास नहीं ले पाया था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अदर इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। बच्चे अदर इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की दो कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वन इनकम elasticity of demand, second one बच्चे cross price elasticities of demand। अच्छा बच्चे इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, इसको फर्दर बाइफरकेट करते हैं बच्चे हम फॉर नॉर्मल गुड और इसी तरह से बच्चे इंफीरियर गुड।
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी बच्चे फर्दर बाइफरकेट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड और सेकेंडली बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सबसे पहला नॉर्मल गुड क्या होती है, याद करें ये डेफिनेशन हमने बड़ी डिटेल डिस्कस की है चैप्टर टू में। हमने कहा था ऐसी गुड जिसकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाए, ऐसी गुड जिसकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाए। इनकम बढ़े डिमांड भी बढ़ जाए, इनकम कम हो डिमांड भी कम हो जाए, ऐसी गुड कहलाती है नॉर्मल। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड क्या होती है, ऐसी गुड जिसकी डिमांड कम हो जाए इनकम के बढ़ने से, इंफीरियर गुड, लो क्वालिटी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, इसकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है, वुलन क्लॉथ्स, ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी इंफीरियर गुड्स। अच्छा बच्चों, नॉर्मल गुड के केस में और इंफीरियर गुड के केस में जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखने, नॉर्मल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी बाय इनकम के लिए इकोनॉमिक्स में जो सिंबल यूज होता है वो वाई यूज होता है, याद रखनी है बात। इकोनॉमिक्स में इनकम को सिंबॉलिकली वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव और इनफीरियर गुड के केस में नेगेटिव, याद रहेगी ये बात। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसी तरह से बच्चे हमने सब्स्टिट्यूट गुड की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, याद करें दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हों, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो कंज्यूमर की सेम नीड को फुलफिल कर रही हों, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, जैसे हमने एग्जांपल ली थी इंक और पेन की, बैट और बॉल की। इंक और पेन इकट्ठा इस्तेमाल हो तो हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे हम। इसी तरह से बैट है बॉल नहीं है तो क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे, दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये भी यूज किया जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक हो गया ना बच्चे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव और इसी तरह से बच्चे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव। ठीक हो गया जी बच्चे, तो बच्चे ये आपने बातें याद रखनी है। वन बाय वन अब हम इसकी एग्जांपल पिक करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले बच्चे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने अभी पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल समझने हैं, ये हमारा टॉपिक है जिसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई बच्चे बात, ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अभी हमने प्लान बनाया है कि हमने इस टॉपिक को पढ़ना कैसे और इसमें क्या क्या बातें पढ़नी। ठीक हो गया जी बच्चे, जी बच्चे नोट कर लिया बच्चे आप लोगों ने, ठीक हो गया जी बच्चे।
सबसे पहला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा बच्चे, इसके लिए फॉर्मूला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक हो गया जी बच्चे, ये फॉर्म। अच्छा इसी तरह से बच्चे ये मेन फॉर्मूला है, इसी तरह से अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू टू माइनस क्यू वन ओवर क्यू वन प्लस क्यू टू, दोनों फिगर्स को सम करना है, टू पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड से। इसी तरह से बच्चे अगर हम परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसका फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन ओवर वाई वन प्लस वाई टू, दोनों फिगर्स को सम, टू पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा अब बच्चे इसका फर्स्ट वन केस नॉर्मल गुड हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोस गुड्स, ताकि रिकॉल हो जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले चैप्टर टू नहीं पढ़ा हुआ, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस गुड्स उस डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो चीजें जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाए, इनकम अगर बढ़े उन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाए, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक हो गया जी बच्चे।
सर इसकी आप एग्जांपल दे दीजिएगा नॉर्मल गुड्स की। बच्चे जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़े हो गए नॉर्मल, ठीक हो गया, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा लिविंग स्टाइल भी तो बढ़ जाता है, हम उनकी कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसी गुड्स जिनकी कंजम्पशन इनकम के बढ़ने से बढ़ जाए, हम हमारी तरक्की होगी माशाल्लाह से। 3.5 साल आप आर्टिकल के स्टाइपेंड 13,700 उम्मीद है आप लोगों के टाइम पे, जब आप लोग माशाल्लाह से कैफ के 9 पेपर्स पास करके फर्म में आपकी इंडक्शन होगी, तो स्टाइपेंड रेट भी इंशाल्लाह इंक्रीज हो चुका हुआ होगा। लेकिन यह है कि जब आप मुकम्मल आर्टिकल करेंगे और सीए क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपका लिविंग स्टाइल बेहतर नहीं होगा? जो लिविंग स्टाइल आपका स्टूडेंट ट्रेनी स्टूडेंट के टाइम पे होगा, क्या वही लिविंग स्टाइल आपका जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर फाइनेंस बन जाएंगे, वही लिविंग स्टाइल होगा? आपकी कंजम्पशन वही होगी? सर ये आप टाइम चेंज की बात कर रहे हैं, जो 5 से 10 ईयर्स के बाद जो टाइम चेंज होगा उसके लिहाज और आज के लिहाज के, कल के को डिमांड इंक्रीज, यानी कि आज की जो प्राइस है वो कल के प्राइस के इक्वल नहीं होगी। 1 मिनट ठहरिएगा बच्चा, मुझे ना आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट सर दीजिए, मैं हैंड फ्री साथ अटैच कर लूँ, सिर्फ 1 मिनट। जी बच्चे, जी बच्चे, अब बताइएगा बच्चे। सर मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि जो चीज़ आज जितने भी प्राइस की है और 10 ईयर्स के बाद उसकी प्राइस वो चीज़ चेंज होगी, तो आप इस लिहाज से कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम डिमांड उसकी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू इनकम। नहीं नहीं बच्चे, देखो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप किसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने रिलेशनशिप में किसी भी जगह पे प्राइस का जिक्र ही नहीं किया, आप देख लें ये डेफिनेशन है। मैंने आपको कहा कि हम क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप इनकम के साथ कर, सर प्राइस जो के साथ नहीं इनकम कर। होती है वो देखिए, जो इनकम आती है वो एक तरह की प्राइस की आती है पर्सन के हैंड में, वो उसकी इनकम होती है। इनकम जो होती है उसको हम प्राइस के साथ कैसे मुंसलिक कर सकते हैं? इनकम होती है अमाउंट ऑफ मनी, प्राइस होती है गुड्स के बदले में जो हमें कंसिडरेशन पे करनी होती सर सॉरी मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्राइस और इनकम और इसकी, ठीक है। है। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है बच्चे, आपने बिल्कुल क्लियर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश की बात कर रहा था, यानी कि हाँ, ये अमाउंट ऑफ मनी है ना, इनकम जो है बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है ना, इनकम लेवल है। जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे, बात क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना इस चीज पे। अच्छा, नॉर्मल गुड्स क्या है? ऐसी गुड्स के हम इनकम लेवल बढ़ेगा, इन गुड्स की डिमांड भी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, ऐसी गुड्स कहलाती हैं नॉर्मल गुड्स। अब इनके लिए हम एक टेबल बना के इसकी कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं बच्चों। जी बच्चे, हसन वली बच्चे, हम हमेशा प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांड के साथ बनाते हैं, रिलेशनशिप तो वही रहता है, उसमें वेरिएबल्स की वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना डिमांड की, तो हम रिलेशनशिप में प्राइस और क्वांटिटी ही शो कर पाएंगे। आपको याद होगा जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, याद है ना आपको, उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने कहा था कि प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, अगर उनमें चेंज आ जाए तो डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली शिफ्टिंग है, इनकम उसमें एक फैक्टर था, हमने पढ़ा भी हुआ है। जी बिल्कुल हसन अली, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे, आपको बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चे, इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली वाई से। मैं कहता हूं लेट्स सपोज, मैं फिगर्स ले रहा हूं रुपीज इन थाउजेंड्स में, और साथ ही साथ बच्चे क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स,
लेट्स सपोज इनकम है 10,000 रुपीज की, क्योंकि वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड्स में है ना। अच्छा, आप 10,000 रुपीज इनकम है, यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं 10, इनकम बचे 10,000 से इंक्रीज करके 15,000 हो गई। अब इन यूनिट्स को हम डिमांड कर रहे हैं 12, पहले हम 10 यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहे थे, या कंज्यूमर डिमांड कर रहा था जस्ट 10 यूनिट्स, इनकम के बढ़ने से अब वो 12 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिन कर, ठीक है जी बच्चे। तो फॉर्मूला बच्चे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिटरमिन करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, ये फिगर होगी Q1 क्वांटिटी टू की, इनकम Y1 और इनकम Y2। अच्छा बच्चे, Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 प्लस Q2 दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100। अच्छा बच्चे, सेकंड क्वांटिटी 12 है और फर्स्ट क्वांटिटी 10। सेकंड क्वांटिटी 12, फर्स्ट वन 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 100। जी बच्चे, मुझे आंसर बताते हैं आप लोग। शाबाश, 18.18%। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट बच्चे, परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला था Y2 माइनस Y1 ओवर Y1 प्लस Y2, दोनों फिगर्स को सम करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अच्छा बच्चे, Y2 की फिगर टेबल में आपके सामने दोबारा से ओपन कर रहा हूं, 15 और 10, Y2 की फिगर 15 और Y1 10, 15 माइनस 10 ओवर 10 प्लस 15, दोनों फिगर्स को सम करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 से करना। अच्छा बच्चे, 15 ये 40%, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अब ये फिगर्स हम लिखते हैं बच्चे, 18.18% ओवर 40%। सॉल्व कीजिएगा बच्चे, आंसर बताएं बच्चे मुझे जल्दी से। जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, 0.45 पॉजिटिव में है ये। अच्छा, अब पॉजिटिव आपको बताएगी कि इनकम के लिहाज से ये गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, नॉर्मल गुड के केस में आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब आपने कैलकुलेशन की, आंसर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी और कहा होगा बताना है कि ये गुड नॉर्मल है इनकम के लिहाज से या इंफीरियर है। आंसर पॉजिटिव आया तो आप क्या कह के आएंगे, गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। आप कहेंगे पॉजिटिव साइन शोज दैट गुड इज नॉर्मल, शाबाश, बिल्कुल ठीक। और 0.45 क्या बता रहा है, 0.45 बता रहा है कि अगर इनकम 1 से इंक्रीज होती है तो इस गुड की डिमांड 0.45 से इंक्रीज होगी, और अगर इनकम 1 से डिक्रीज हो जाए तो डिमांड 0.45 से डिक्रीज हो जाएगी। जी बच्चे, ऑटोमेटिकली जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है ना। हाफिज साहब, बात समझ आ गई हाफिज साहब आपको, ठीक है ना, अंडरस्टूड है जी, बिल्कुल ठीक हो गए, जजाकअल्लाह। तो
तो बच्चे ये नॉर्मल गुड की ने एग्जाम्पल सॉल्व की, अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा बच्चे नेक्स्ट सेकंड, those goods whose demand decrease with the increase in income of the consumer. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाए और डिमांड गुड की कम हो जाए, ऐसी गुड्स हैं इनफीरियर गुड्स। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, आर कॉल्ड इनफीरियर गुड्स। जी बच्चे इसके लिए भी बच्चे हम कैलकुलेशन करेंगे, इनकम रुपीज इन थाउजेंड्स, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स, इनकम 10,000 रुपीज, यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं 6, इनकम बढ़ के 15,000 रुपीज हो, इनकम के बढ़ने से अब यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं 44, कम हो गई। बच्चे अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, याद रखिएगा कि Q1 Q2 की फिगर, Y1 एंड Y2, हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो हमने शाबाश नॉर्मल गुड की कंपटीशन के लिए इस्तेमाल किया, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जी बच्चे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले बच्चे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बच्चे इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी Q2 सेकंड क्वांटिटी में से फर्स्ट क्वांटिटी को हमने लेस करना, डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज को सम करके 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। जी बच्चे सेकंड क्वांटिटी 4, फर्स्ट वन 6, 6 प्लस 4, दोनों क्वांटिटीज को सम करके 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है 100। जी बच्चे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, -40%। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट बच्चे परसेंटेज चेंज इन इनकम, Y2 माइनस Y1 ओवर Y1 प्लस Y2, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100। अच्छा जी बच्चे Y2 15,000, तो ये राउंडिंग ऑफ में फिगर ले लीजिएगा क्योंकि आप पूरी फिगर ही राउंडिंग ऑफ में लेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा किसी जगह पे 15,000 पूरा लिख दे, किसी जगह पे राउंडिंग ऑफ की फिगर ले ले, या तो पूरी फिगर ही ले हर जगह पे या हर जगह पे राउंड ऑफ फिगर्स। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। जी बच्चे 40% ठीक हो गया जी बच्चे, -40% ओवर 40%, आंसर -1। अच्छा अब माइनस का साइन क्या बता रहा है,
गुड इनकम के लिहाज से नॉर्मल है या इंफीरियर है। देखिए साइन हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि अगर साइन नेगेटिव होगा तो इंफीरियर गुड होगी। शाबाश, इंफीरियर गुड के केस में हमेशा साइन नेगेटिव होगा। ठीक हो गया जी, शाबाश। अच्छा अब टाइप कौन सी है गुड की, यूनिटरी इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या इलास्टिक है? शाबाश, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये थी बच्चे सिंपल सी कैलकुलेशन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तो मेरी एग्जाम्पल में बाय डिफॉल्ट -1 आंसर आ गया। हो सकता है -0.45, <1 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। ठीक है ना बच्चे। तो ये डिपेंड करता है हमें जो डेटा प्रोवाइड किया होगा एग्जामिनर। सर एक क्वेश्चन है सर, जी बच्चे। जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है ये इस मेथड से भी निकल सकता है कि सर मैं आपको लिखवाता हूँ, आप एक सेकंड लिखिएगा। फॉर्मूला मेथड लिखवाना चाह रहे? ये 2 - 4 / सॉरी 4 - 6 / 15 - 10 एक मिनट ठहरिएगा। अगर मैं इस तरह से लिख दूं बजाय इसके कि हम वैल्यूज की ये लिखे, अगर मैं आपके सामने पूरा फॉर्मूला लिख दूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में, Q2 - Q1/2 -y1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज y1 प्लस वाई वाई और टू एवरेज क्यू। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फॉर्मूला मेथड बन जाएगा सेम आंसर निकल रहा है। जी, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि हमारा हमने पहले ही दिन डिसाइड किया था, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव ही परसेंटेज मेथड से। तो मैं आपको यही बात अब बताने वाला था जो मैंने अगली बतानी थी और आपने खुद ही पिक कर ली क्योंकि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स याद है। आपको ये बात याद करनी है कि मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए किस मेथड को प्रेफर करना है, किस फॉर्मूले को प्रेफर करना है, आपने इस फॉर्मूले को प्रेफर करना है। इसमें आपका आंसर क्विकली और बड़ी तेजी से आपका आंसर आ जाएगा, गलती के चांसेस भी कम है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पेश है। ठीक है। अच्छा अब जब लॉन्ग क्वेश्चन हो ना तो ज्यादातर एग्जामिनर आपसे परसेंटेज मेथड अज्यूम कर रहा हूं, तो बेहतर है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप परसेंटेज मेथड से इसे सॉल्व करें। ठीक होगा जी, उन्होंने अनलेस हमें अदरवाइज स्पेसिफाई। क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने परसेंटेज मेथड से करना है या दूसरे मेथड से करना है। मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो अभी देखा है ना कि एग्जामिनर हमें इनिशियल डाटा प्रोवाइड करके सम टाइम मेंशन कर देता है कि आपने इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है और परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर देना है। अगर एग्जामिनर ना बताए या तो परसेंटेज मेथड से सॉल्व करना है या फॉर्मूला मेथड ठीक, से, मैं अगर कहूंगा एग्जाम प्रेफरेबली आपने परसेंटेज मेथड से सॉल्व कीजिए, प्रेफरेबली, अगर एग्जाम ने हमें क्योंकि परसेंटेज एग्जामिनर जी कहा हुआ है और हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम निकल रहा है, तो हमें नंबर मिलेंगे सॉल्यूशन के या नहीं मिलेंगे? नहीं, वो डिडक्ट करेगा नंबर। अब ये उस पर डिपेंड करता है, वो पूरे मार्क्स डिडक्ट कर देता है या आपको कुछ फेवर दे देगा। लेकिन ठीक जो है थैंक। रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर कमेंट्स में ये मेंशन करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स मैं मेंशन करता हूँ बच्चे उसको फॉलो नहीं करते तो फिर उनके नंबर डिडक्ट हो। और वो अ नंबर ऑफ टाइम एग्जामिनर कमेंट्स में ये बात लिखता है कि स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने क्वेश्चन तो ठीक किया हो सकता है लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो ही फॉलो नहीं की, तो आपने रिक्वायरमेंट फॉलो कर दी। इसके अलावा किसी और बच्चे का कोई सवाल? हाफिज अबू बकर बच्चे, आप ही ने सवाल पूछा है, मैं मैसेज बॉक्स ओपन किया है तो आपका मैसेज आया हुआ। देखो बच्चे, आर्क मेथड जो बेसिकली है, आपने आर्क मेथड के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम एवरेज यूज करेंगे
प्राइस का भी और एवरेज क्वांटिटी का भी। इसी तरह से एवरेज अगर इनकम के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इनकम का भी एवरेज होगा और क्वांटिटी का भी एवरेज होगा, तो वो जस्ट लाइक फॉर्मूला बन गया। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि परसेंटेज मेथड से सॉल्व करो, तो फिर आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपने सिर्फ परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व कर। बट अगर एग्जामिनर आपको इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आपको डेटा प्रोवाइड करके कह देता है कि मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके बताओ, तो बच्चे उस सिचुएशन में आपका जो दिल चाहे आप मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही मेथड आप यूज कर सकते हैं, या परसेंटेज मेथड या बच्चे फॉर्मूला। टोटल आउटले मेथड आपने तब तक यूज नहीं करना जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे। समझा पा रहा हूं मैं आपको ये बात? टोटल आउटले मेथड जब एग्जामिनर खुद कहे आपने तब यूज कर, अदरवाइज आपने टोटल आउटले मेथड से सॉल्व नहीं कर। हाँ, एमसीक्यूज की इंफॉर्मेशन ही ऐसे प्रोवाइड की हुई है, जैसे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए, उसकी इंफॉर्मेशन उसका डाटा ही ऐसे गिवन होता है कि हमारे पास कोई और सॉल्यूशन ही नहीं होता उसको टोटल आउटले मेथड के सिवा सॉल्व करने का। तो हम उसे सॉल्व भी किस पे करेंगे? टोटल आउटले मेथड के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है ना बच्चे? जी बच्चे, ठीक हो गया जी, जजाकुमुल्लाह खैर बच्चे, जजाकअल्लाह। अच्छा बच्चे, इसके कुछ एमसीक्यूज भी हैं, वो एमसीक्यूज मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे इसका ये फॉर्मूला जैसे मैंने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में लिखा था, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? अभी वेट कीजिएगा, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा बच्चे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, इसके लिए बच्चे क्वांटिटी सेकेंड वन माइनस क्वांटिटी फर्स्ट वन, अब ए ये भी ए डिवाइडेड बाय बच्चे फर्स्ट वन ए कमोडिटी की प्लस सेकेंड वन ए कमोडिटी की, दोनों वैल्यूज को सम करके टू पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई देख सकते। इसी तरह से बच्चे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, पी टू माइनस पी वन, अब कमोडिटी बी ओवर प्राइस वन कमोडिटी बी प्लस प्राइस टू कमोडिटी बी, दोनों वैल्यूज को सम टू पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा अब करता क्या है ये? क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब ये है कि हम एक कमोडिटी की प्राइस का रिलेशनशिप दूसरी कमोडिटी की डिमांड क्वांटिटी डिमांड के साथ कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक कमोडिटी की कीमत चेंज हो जाए तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा अब उसके लिए मैं आपको रिलेट करता हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। अब याद कीजिएगा चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था दो तरह की गुड्स होती है, एक कहलाती है रिलेटेड गुड्स जिसे डिपेंडेंट गुड्स भी कहा, और दूसरी गुड्स कहलाया था इंडिपेंडेंट गुड्स या अनरिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने कहा था ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स जिनमें किसी एक गुड की प्राइस के चेंज होने से दूसरी गुड की डिमांड अफेक्ट हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, रिलेटेड गुड्स कहलाती।
तो इसका मतलब है ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स जो एक दूसरे की प्राइस से अफेक्ट हो जाती, रिलेटेड गुड्स कहलाती। अच्छा, अब अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स क्या है? जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हमने क्रॉस में क्या करना, हमने करना क्या है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेप्सी एंड कोका कोला। हमने ये रिलेशनशिप बनाना है कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाए तो कोका कोला की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा, कोका कोला की कितने से डिमांड अफेक्ट हो जाएगी अगर पेप्सी की कीमत 1 रुपए से बढ़ जाए। ये कहलाएगी क्रॉस प्राइस, क्योंकि हम एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। ये कहलाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशन, फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको याद होगा सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हैं, या ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स जो कंज्यूमर की सेम नीड को फुलफिल करती हैं, जैसे कॉफी एंड टी, जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक, इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है? अच्छा बच्चे, इसका मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसी तरह से मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर इन्हें जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, इन्हें कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, जैसे बैट एंड बॉल, प्रिंटर और कार्ट्रिज, इंक और पेन, पेट्रोल और मोटर व्हीकल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? अब मैं पास पेपर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने लगा हूं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चा। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फा, एक प्रोडक्ट है अल्फा और दूसरी है बच्चे बीटा। क्वांटिटी डिमांड अल्फा की 300 यूनिट से 250 यूनिट्स, और प्राइस बीटा की लेनी है 50 से 55। अब देखें दो कमोडिटीज का रिलेशनशिप बन रहा है, करें कैलकुलेशन बच्चे, ये डाटा आपने याद रखना है। ठीक है? तो एग्जामिनर ने देखे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एब्रीवेशन यूज किया होगा, कहा कंप्यूट करें, कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है जी बच्चे? और साथ ये भी बताना है कि गुड सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये भी बताना है आपने। तो बच्चे कैलकुलेट करें, सबसे पहले बच्चे प्राइस, प्राइस किसकी है बच्चे बीटा की, और क्वांटिटी डिमांड अल्फा की। क्वांटिटी डिमांड 300 से 250 यूनिट्स और प्राइस 50 से 55, 50 से 55
55। बीटा की कीमत बढ़ी, अल्फा की डिमांड भी कम हो गई। अब हमें ये बात समझनी है, ये क्वांटिटी वन अल्फा, ये क्वांटिटी टू अल्फा, इसी तरह से ये बचे प्राइस वन बीटा और ये प्राइस टू बीटा। कैलकुलेशन बच्चे करने लगा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जी, इसको हम लिख देते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा बच्चे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसकी बचे अल्फा ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बच्चे किस कमोडिटी की, बीटा की। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अल्फा की, क्वांटिटी सेकंड अल्फा की, माइनस क्वांटिटी फर्स्ट वन अल्फा। शाबाश बच्चे, बिल्कुल ठीक पिक किया आपने, क्वांटिटी वन अल्फा प्लस क्वांटिटी टू अल्फा, दोनों फिगर्स को सम करके टू पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 100 से कर देना जी बच्चे। क्वांटिटी सेकंड वन है 250, फर्स्ट वन क्वांटिटी 300 ओवर 300 प्लस 250, दोनों फिगर्स को बच्चे सम करके टू पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ये बच्चे जी बच्चे ठीक है, इसका मुझे आंसर बच्चे बताइएगा -18.18%, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बच्चे। अच्छा इसी तरह से बच्चे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बीटा। अच्छा बच्चे, P2 - P1, अच्छा बीटा, ये भी बीटा, इसी तरह से बच्चे प्राइस वन बीटा प्लस प्राइस टू बीटा, दोनों प्राइसेस को सम करके टू पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है 100। अच्छा बच्चे, P2 की फिगर, प्राइस टू की फिगर 55, प्राइस वन की 50, सम कीजिएगा 50 प्लस 55, दोनों फिगर्स को सम करके टू पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर मुझे सिर्फ बताइएगा जी, 9.52%। पहला आंसर है बच्चे -18.18% ओवर 9.52%। ओवरऑल आंसर बच्चे मुझे आपने बता दिया -1.90, ठीक हो गया जी, शाबाश। अच्छा अब मुझे बताएं, ये दो गुड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, सब्स्टिट्यूट है या बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं भी आपके सामने वो चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। ये देखे जी, ये आपके सामने चार्ट आ गया, नेगेटिव का साइन है, तो दोनों गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, बात समझा पाए हो ना मैं आपको, ये दोनों गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो आपको सामने बात समझ में आ रही है। देखिए ना, अगर प्रिंटर की प्राइस बढ़ जाए तो कार्ट्रिज की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग प्रिंटर ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कार्ट्रिज की क्या जरूरत है, प्रिंटर ही नहीं खरीद पा रहे, जब प्रिंटर ही नहीं है तो कार्ट्रिज क्या करनी है। इसी तरह से गाड़ियां बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए तो पेट्रोल की कंजम्पशन, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, समझा पाया हो ना। तो बच्चे ये है कॉम्प्लीमेंट्री रूल, तो आप बता देंगे ना जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन को मैंने एंडनोट्स में सॉल्व भी किया जी बच्चे। सर इसका फॉर्मूला डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसके लिए बच्चे क्वांटिटी सेकंड वन अल्फा हम अज्यूम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है बच्चे, अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था मैं उनका आंसर करने वाला था, ये जरूरी नहीं है बच्चे, मैं अभी इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा, देखिएगा अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे प्राइस, प्राइस सेकंड बीटा की माइनस प्राइस वन बीटा मल्टीप्लाई बाय प्राइस वन बीटा प्लस प्राइस टू बीटा,
ओवर क्वांटिटी वन अल्फा प्लस क्वांटिटी टू, ये बचे पावर। जी हाफिज साहब क्लियर हो गया आपको? प्रैक्टिस कर दूं बच्चे, इसी 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 फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करके आप लोग, आपको आंसर भी कैलकुलेट करके बता देता हूं, ठीक है? देखिए 250 क्लियर हो माइनस, हाँ कोई बात नहीं बच्चे, फिर भी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 55 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 55 ओवर बच्चे सॉरी 300 प्लस 250। सॉल्व कीजिएगा बच्चे, अगेन आंसर माइनस 1.9 बनना चाहिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जी सर यही है एक्चुअली, वो रिटर्न में मैंने इना प्राइसेस उसको मैंने क्वांटिटी लिख दिया था, क्वांटिटी का प्राइसेस लिख दिया था, दैट इज ठीक हो गया। आप क्लियर हो गया ना बच्चे? जी सर कोई मसला नहीं बच्चे, जजाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गैमा, अब क्या यूज कर रहा है गैमा, अगला क्या बच्चे डेल्टा, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अल्फा बीटा ही यूज करेगा, वो ए भी बोल सकता है बी भी बोल सकता है, अल्फा भी बीटा भी गैमा भी डेल्टा भी, ठीक है ना बच्चे? अच्छा अच्छा गैमा की क्वांटिटी डिमांड 400 यूनिट से 450 यूनिट्स, जबकि प्राइस डेल्टा की 100 से 125। सॉल्व करें इसको, फोर हंड्रेड से 450 और 100 से 125 सर 0.582 इज द टोटल आंसर। चलें जी मैं फॉर्मूले में इंसर्ट कर देता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। देखें बच्चे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड गैमा की है ना, क्वांटिटी डिमांड Q2 गैमा माइनस Q1 गैमा ओवर प्राइस P2 डेल्टा माइनस P1 डेल्टा मल्टीप्लाई बाय P1 डेल्टा प्लस P2 डेल्टा ओवर क्वांटिटी Q1 गैमा प्लस Q2 गैमा। अच्छा बच्चे ये वैल्यूज आपके सामने मौजूद है, पहली वैल्यू 450 माइनस 400 ओवर पी टू 125 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 125 ओवर 400 प्लस 450। इसको पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिएगा अगेन। 0.529 53 कर लेते हैं। अब पॉजिटिव में है इसका आंसर तो सब्स्टिट्यूट गुड हुई ना, हमने कहा था पॉजिटिव आंसर होगा तो सब्स्टिट्यूट, वैसे भी हमें पता चल रहा है टेबल से। देखे ना अगर गैमा की कीमत सॉरी डेल्टा की कीमत बढ़ जाए और डेल्टा और गैमा एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो, तो आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी एक कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसके चीपर अल्टरनेटिव की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो ये इफेक्ट था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए प्राइस डेल्टा की 100 से 125 हुई, हमने गैमा की डिमांड बढ़ा दी 400 से 450। अच्छा अब एग्जामिनर आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, ये क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, क्लोज है ये कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा अब ये बात याद रखनी है, ये वैल्यू वन के जितना क्लोज होगी उतना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, जितनी वन से कम होती जाएगी ये वैल्यू उतना ये वीक सब्स्टिट्यूट बनता जाएगा। एक दफा एग्जामिनर ने एमसीक्यूज में ये बात पूछी हुई है,
ये क्लोजर टू वन होगी फिगर, जैसे ये 0.3 है ना, ये इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये वैल्यू होती 0.95 तो हम कहते हैं ये बड़ा ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है। समझ आई बात की बच्चे? जी बच्चे, वन या वन से ग्रेटर वैल्यू हो जाए तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? तो मैं हैंडआउट्स में बच्चे रेफर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। सर जी बच्चे, सर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ये प्राइस और क्वांटिटी, इसका मतलब ये होगा कि ये सब्स्टिट्यूट है। हाँ पॉजिटिव में आंसर होगा तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव में आंसर है तो कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा यही इंटरप्रिटेशन, ये आपने याद रखा। ठीक है, यानी वर्किंग के बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हम सिर्फ चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकें कि ये सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। चार्ट से अंदाजा हो जाता है, चार्ट से अंदाजा हो जाता है। ये देखे ना, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है, आप बीटा और अल्फा। अब देखें, बीटा की प्राइस बड़ी, बीटा की जी सर, प्राइस बड़ी, बड़ी अल्फा की इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल। डिमांड बढ़ रही है, अगर अल्फा की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अगर अल्फा की डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई तो मैं दूसरी भी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि पहली वाली जब महंगी हो गई है तो दूसरी गुड का मैं अकेले इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता हूँ, उसको उसके जी साथ ही सर, इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, पता चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जामिनर सॉल्व करने के लिए कहेगा, आपने सॉल्व करके उसे बताना। तो ये इसके सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हमेशा आंसर नेगेटिव नेगेटिव। होगा, ये बात याद, ठीक है ना बच्चे? और सब्स्टिट्यूट के केस में ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। ठीक हो गया जी बच्चे? अब ये भी है, ये पढ़िएगा, ये क्लोज कंपोनेंट है, क्योंकि इसकी इसकी वैल्यू क्या है, 1.96, ग्रेटर देन वन है ना, जब ग्रेटर देन वन हो तो ये क्लोज, और लेस देन वन सब्स्टिट्यूट के केस में ये देखिएगा वीक सब्स्टिट्यूट। अच्छा जी बच्चे चलें, ठीक है, इतना काफी है। मैं मुझे अंदाजा है कि ताकत है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इंपॉर्टेंस को आपने जरा खुद से डिस्कस कर, ठीक है? हाफिज साहब, प्रैक्टिकली ये है कि आप, लेट्स सपोज आपको बना दिया जाए सीएफओ कोका कोला कंपनी का, और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बन रही है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट, हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, या हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या मेंशन करें कि इससे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा मुतासर ना हो, कम ना हो, इसका ये ना फायदा हो कि हम अपनी प्राइस इंक्रीज करें और उसका बैठे बैठे पेप्सी को फायदा मिल जाए। तो आपको वहां पे ये वर्किंग करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा कि आपकी प्राइसिंग क्या हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, अगर कम करनी है तो कितनी कम करनी है ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, अगर बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है कि जिससे आपकी डिमांड कम ना हो सके। ठीक है जी बच्चे? जी हाफिज साहब ने पूछा है, हाफिज साहब ने कहा है कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो यही बात आपको समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस में यही बात बताई। हम ये देखना चाहते हैं जब क्लोज सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तो हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐसी डिफाइन करनी होती है जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, बच्चे होमवर्क नोट कीजिएगा जल्दी से, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्लान तो मेरा था कि मैं आगे भी फर्दर डिस्कस करूं, लेकिन बहरहाल मुझे पता है, अंदाजा है कि ताक रात अभी गुजरी है और आप लोगों ने इबादत भी की होंगी, अल्लाह ताला आप सब लोगों की इबादत को कबूल करे। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 12 मुझे अभी बता दें आंसर जल्दी से, इंफीरियर गुड है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। 12th का बी पार्ट। ट्वेल्व का बीटा आंसर है, ठीक है जी, ट्वेल्व का बीटा आंसर। अच्छा बच्चे, इसी तरह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका होमवर्क है बच्चे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 तक और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने भी आपको करवा दिया है क्वेश्चन, वो आपने अगेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।